चलनी कहे सूप से कि कितना छेद है, पूरा परिवार उनका जो हम पर आरोप लगा रहा है, पूरा जिंदगी समाज का शोषण किया है, गरीब परिवार का शोषण किया है, आज धन कुबेर बना हुआ है। 2 किलो मरवा में 2 केजी मरवा में 2 बीघा जमीन हम लोग की जनता को लिखाया है। चांदी और चम्मच से दूध पीने वाले समाज का दर्द को क्या समझेगा। हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारे पिताजी आज पूरे जिंदगी भर 85 साल का हमारा पिताजी है, पूरा जिंदगी समाज के नाम पर समर्पित कर दिया, समाज का सेवा किया है। कोई पंचायत में कोई ऐसा घर नहीं जहां उन्हें सेवा नहीं दिया हो। जब हमको ये बात मालूम हुआ कि लक्ष्मीनिया टोल टैक्स जदिया का पावर ग्रिड लक्ष्मीनिया टोल टैक्स के पास जा रहा है, तो बैजनाथ और डीएम साहब थे उस समय सुपौल में, जा कर के वो बताए कि सर ऐसे ऐसे जदिया का नाम से पावर ग्रिड है, जदिया में रहना चाहिए। तो ठीक है, 15 दिन का आपको समय देते हैं, आप ज़मीन को उपलब्ध कराइए। दिन रात एक करके 15 दिन हम खाना नहीं खाए कि पावर ग्रिड जदिया के नाम से आया है और जदिया से बाहर चला जाए, बड़ी तोहनी की बात होगी, बड़ी शर्म की बात होगी। सभी समाज के सभी गार्जियन से हमने संपर्क किया जमीन उपलब्ध कराने में। हम जनता से एक बात की अपील जरूर करेंगे, चुनाव मैदान में मुखिया पद के लिए 11 उम्मीदवार हैं, हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि आप अपने मन में सभी उम्मीदवार का तस्वीर को खड़ा कर लें और विश्व विचार जरूर करें एक बात पर कि 24 घंटा समय किस उम्मीदवार के पास है कि समाज को देखने के लिए। रात के 12 बजे भी 5 साल में जब हमको फोन किया जनता किसी भी वार्ड से, तो मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि रुक जाएं। रात के 12 बजे भी हम वहाँ जा करके उनके समस्या पर खड़ा रहा और उनको देखा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चारों तरफ अभी आप घूमिएगा ना, तो सभी जात के लोग कहेंगे कि रात के 12 बजे भी मुखिया जी को बुलाते हैं तो आ जाता है। आप देख रहे हैं VR News, एक नजर सच्चाई की ओर। नमस्कार। बिहार पंचायत आम चुनाव 2021 के 7वें चरण का मतदान 15 नवंबर को होने हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ त्रिवेणीगंज प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत जदिया में, और मेरे साथ आप देखेंगे तो निवर्तमान मुखिया प्रतिनिधि श्याम यादव जी हैं। ये महिला क्षेत्र है जहाँ से मुखिया निवर्तमान मुखिया जी बेबी देवी जी थी। हम यहाँ पर इसलिए पहुँचे हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर पिछले 5 साल इनके लिए कितना खास रहा है, इन 5 सालों में इन्होंने क्या कुछ किया अपने पंचायत के विकास के लिए। स्वागत आपका। आपका भी नमस्कार। सबसे पहले मुखिया जी आप मुझे बताएं 5 साल कैसा रहा, विकास कैसा रहा? 5 साल हमारे लिए और हमारे मैडम बेबी देवी जो मुखिया जी हैं जदिया पंचायत के, उसके लिए बहुत ही अच्छा समय गुजरा। रह गई विकास की बात, तो जिस उम्मीद और जिस आशा के साथ जदिया की तमाम जनता, गार्जियन, नौजवान साथी, माँ बहने बेबी देवी को मुखिया बनाया, 2016 में काफ़ी मत से, अपार मत से विजयी बनाया था। त्रिवेणी प्रखंड में 27 पंचायत में सबसे ज़्यादा मत से बेबी देवी की जीत हुई थी। इसी उम्मीद के साथ हुई थी, इस उम्मीद और इस आशा के साथ जनता ने आशीर्वाद दिया था कि जदिया पंचायत सुपौल जिला का सबसे बड़ा पंचायत, 21 वार्ड का पंचायत है और काफ़ी यहाँ समस्या थी, लोगों के बीच काफ़ी परेशानी होती थी। इसी उम्मीद के साथ बेबी देवी को मुखिया बनाया। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आपसे हम पहले हम सवाल करेंगे कि आपने पिछले 5 साल में क्या कार्य किया है, मोटे तौर पर कुछ लेखा जोखा बताएं हमें। पहला मेरा रहा कि यातायात, सरकार का भी अब व्यवस्था और घोषणा था कि यातायात कम से कम लोगों को घर से जो है कीचड़ में नहीं निकलना पड़े, मेन सड़क पर जो है उनका संपर्क पक्की से हो जाए, उनकी बस्ती का जो है पक्कीकरण हो जाए, तो ज़्यादा जोर हमने ज़्यादा मजबूती से जोर उस पर हमने किया। आज 21 वार्ड का यह पंचायत सभी वार्डों में सड़क विहीन था,
आज़ादी से लेकर के अभी तक ऐसे ऐसे वार्ड में एक ईंट भी नहीं गिरा था, वहाँ मजबूती से हमने पहल करके सरकार का जो सात निश्चय योजना चला उसमें मजबूती से हमने जो है पहल किया और जिसका परिणाम निकला कि 140 सड़क, बहुत ही बड़ी मिसाल कायम हमने किया है 5 साल में कि 140 सड़क बनाना ये साधारण बात नहीं है। जब सरकार का यह घोषणा हुआ कि वार्ड सदस्य के माध्यम से उनके तालमेल से उनके साथ रिश्ता बना करके सरजमीन पर काम किया जाए तो सभी सदस्य वार्ड सदस्य से मिल करके बैठ करके हमने पंचायत में सड़क का निर्माण करवाया जो आज आप सबके सामने है, समाज के सामने है। रह गई बात फुलकहा गांव, सड़क विहीन था, आज़ादी के बाद आज तक वहां सड़क नहीं बना। बरसात के समय में माँ बहने बरसात में बाज़ार नहीं आते थे, रोड पर नहीं आते थे, 3 महीना 4 महीना उन लोगों को घर में ही रहना पड़ता था। इमरजेंसी जब पड़ता था कि भाई दवाई लेना है या इलाज कराना है या डिलीवरी केस है तो खटिया पर ला करके उनके परिवार के लोग खटिया पर ला करके बाज़ार लाते थे इलाज कराने के लिए। आज उसी परिवार के लोग चार चक्का से बरसात के समय में घर से निकलता है, चप्पल पहन करके निकलता है रोड पर। तो मजबूती से हमने इस बात पर जोर दिया कि सबसे पहले यातायात का व्यवस्था सुदृढ़ हो ताकि लोगों को जनता आम आवाम को मेन मार्केट आने में सुविधा हो सके। सड़क की बातें कर रहे हैं तो हम मेरा सवाल है आपसे कि आपके जो प्रतिद्वंदी है उनका आरोप है कि सड़क जो ही बनाए हैं अब सड़क उसकी गुणवत्ता सही नहीं है। देखिए आप ही लोगों के माध्यम से मोबाइल पर हमने सुना कि गुणवत्ता सही नहीं है, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ। जहाँ सड़क विहीन था, पानी का लो एरिया में जहाँ 365 दिन पानी लगी रहती है वहाँ सड़क निर्माण करना, दूसरी बात पंचायत का जो एस्टीमेट होता है ना, प्राकलन जो होता है वो बहुत पुअर होता है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जो योजना होती है उसमें मजबूती से उसमें एस्टीमेट का जो है मटेरियल का उसमें दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो है कि सोलिंग पर जो है ढलाई करना है, पक्कीकरण करना है या पेवर ब्लॉक लगाना है तो वहाँ भारी गाड़ी जाएगी तो टूटेगा ही, लेकिन टूटना अलग बात है। जहाँ सड़क विहीन था, जहाँ सड़क का कहीं साइड से मिट्टी का व्यवस्था कराना, बाहर से मिट्टी लाना, और आज इस बार जो है अर्लियर बारिश पकड़ा गया जिसके चलते हमारा जो है काफ़ी परेशानी हुई हमको सड़क निर्माण करने में, दूर से मिट्टी लाना पड़ा और हम कसम खाए हुए थे कि हमको जो है हर सड़क को जो है बनाना है। रह गई गुणवत्ता की बात, तो गुणवत्ता में हमने मजबूती से पहल किया है और जो हम पर आरोप लगा रहा है कि गुणवत्ता की बात, तो वो खुद अपने गिरवान में झांके चलनी कहे सूप से कि कितना छेद है। पूरा परिवार उनका जो हम पर आरोप लगा रहा है पूरा जिंदगी समाज का शोषण किया है, गरीब परिवार का शोषण किया है, आज धन कुबेर बना हुआ है। 2 किलो मरवा में 2 केजी मरवा में 2 बीघा जमीन हम लोग की जनता को लिखाया है। हमारे समाज के लोगों से आज जमींदार जो बना हुआ है वो व्यक्ति जो कह रहा है कि गुणवत्ता नहीं है, आज अपने आप को जमींदार कह रहा है, तो हमारे हिस्सा कोनो राजस्थान से लाया था क्या? उनके पिताजी खोंछा में, उनके माँ जी खोंछा में लाए थे जमीन क्या? हम ही लोग के गरीब का 2 बीघा 2 केजी मरवा में जो है ना जमीन 2 बीघा लिखाया है। और आज बहुत सा जमीन का ऐसा पेपर है कि लोग सुधवाना दिया था, कहा कि कबला कर लिया है। सवाल यह इस बात का है गुणवत्ता की, पहले अपने गिरवान में झांक ले, समाज का शोषण करके जो आज धन कुबेर बना हुआ है, चांदी और चम्मच से दूध पीने वाले समाज का दर्द को क्या समझेगा? हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारे पिताजी आज पूरे जिंदगी भर 85 साल का हमारा पिताजी है, पूरा जिंदगी समाज के नाम पर समर्पित कर दिया, समाज का सेवा किया है, कोई पंचायत में कोई ऐसा घर नहीं जहां उन्हें सेवा नहीं दिया हो, चाहे शादी हो, विवाह हो, संपिंडन हो, मुंडन हो,
हर कार्यक्रम में पिताजी खड़ा होकर के उनके परिवार को देखा है, समझा है। चाहे भाई का लड़ाई हो, भाई भाई में लड़ाई हो, पति पत्नी में लड़ाई हो, बाप बेटा में लड़ाई हो, समाज में गोतिया का लड़ाई हो, हर व्यवस्था में, हर समस्या में पिताजी खड़े उतरे हैं। और आज जब से हम लोगों को भी मतलब जो है राजनीति में कदम रखे हैं, हम लोग भी पूरे परिवार, हमारा भाई अलग, हम अलग, मेरा मैडम अलग, सभी लोग समाज के सेवा में लगे हुए हैं। और कह रहा है कि गुणवत्ता नहीं है, गुणवत्ता मजबूती से की गई है। सड़क टूटना और पुनः उसको ठीक करना, वो लगातार चलते रहेगा, वो दौर ख़त्म नहीं होता है। लेकिन हमने 140 सड़क का निर्माण किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत की मतलब जो है एक सबूत है। एक आरोप यह भी है कि श्याम यादव दबंग है और अपने पंचायत को अस्थिर किए हुए, मतलब आपस में लड़ाते हैं। देखिए, दबंग हैं हम, उसमें कोई दुमत नहीं है। दबंग हैं किसके लिए? जो हमारे जनता को आंख न दिखावे या समाज को कोई आंख न दिखावे, उसके लिए हम दबंग हैं। दबंग हम इस दबंग का माने क्या आप समझते हैं? दबंग का मतलब क्या, किसी को लूटना, किसी को मारना? वो बात नहीं है। हमारे समाज पर कोई नज़र न उठावे, हमारे समाज को कुछ नहीं कहे। समाज मेरा परिवार है, हम अपने परिवार को अपना पर्सनल परिवार नहीं समझते हैं। ये पूरा 25,000 परिवार मेरा परिवार है। जदिया पंचायत में 25,000 परिवार है, वो मेरा परिवार है। उसको कोई नज़र नहीं उठावे, कोई उंगली नहीं दिखावे, उसके लिए मैं दबंग हूँ। एक बात और सामने आ रही है कि डस्टबिन और जो स्ट्रीट लाइट है उसकी, हालांकि पहले तो पंचम से आप लोग क्या काम किया करते थे, तो आखिर वजह क्या है, कम क्यों है? देखिए, सरकार का चिट्ठी है कि चौक चौराहे पर, सार्वजनिक जगह पर डस्टबिन लगाना और लाइट लगाना। तो लाइट डस्टबिन हमने लगाया। हम जब डस्टबिन की चिट्ठी मिली थी, ब्लॉक में मीटिंग हुआ था, तो हमने वीडियो मैडम को कहा कि ठीक है मैडम, सरकार का चिट्ठी है डस्टबिन लगाना, डस्टबिन तो लगा देंगे, लेकिन उस डस्टबिन में जो कचरा भरेगा उसको कौन सफाई करेगा? सफाई कर्मी तो पंचायत में बहाल है नहीं। तो डस्टबिन हमने लगाया सार्वजनिक जगह पर, हर जगह डस्टबिन लगाया है, जो आपके सामने में है। रह गई बात सौर प्लेट की, वेपर लाइट की, तो वेपर लाइट का भी हम लोग ने योजना लिया है। हर पोल पर वेपर लाइट लगेगा। जो सरकार का जो चिट्ठी है, सरकार की तरफ से जो कंपनी बहाल होगी, उस कंपनी के अनुसार हम लोग जो है लाइट लगवाएंगे। जो हमारा अगला कार्यक्रम है, अगला योजना है, वह हम लोग ने पूरे पंचायत में, पूरे वार्ड में सभी वार्ड सदस्य सूची लेकर के सरकार को दे दिया हूँ, और चुनाव के बाद सरकार का उसमें आवंटन होगा, फंड होगा। रह गई पंचम योजना की, तो पंचम योजना से हम लोग ने सिर्फ ये डस्टबिन लगाने का काम किया हूँ। वेपर लाइट इसलिए नहीं लगाया, उसमें बार्गेलिंग काफ़ी थी। बार्गेलिंग होने के चलते हम लोग ने वेपर लाइट पर जोर नहीं दिया। एक वेपर लाइट लगाने से सरकार, समाज का जो है पूरा पंचायत रोशनी नहीं हो जाता, लेकिन उस पैसा से हमने सड़क निर्माण किया, सड़क पर ज़्यादा हमने जोर दिया, इसलिए कि ताकि पब्लिक को सुविधा हो सके। लाइट लगाना, वो तो अभी घर घर में लाइट लगेगा ही, लगाएंगे ही, सरकार का योजना है, लेकिन फिलहाल हमने सबसे ज़्यादा बल दिया सड़क पर, ताकि सड़क निर्माण हो, लोगों के यातायात की सुविधा हो सके। पंचवर्षीय मौका मिलता है तो क्या करेंगे, मतलब अगले 5 साल अगर मौका देती है जनता को, तो आप क्या करेंगे, कौन सा काम करेंगे, किस काम पर आप फोकस करेंगे? देखिए, फोकस मेरा पहला है कि सरकार, जनता, अगर जदिया पंचायत की जनता पुनः हमको मौका देती है, पुनः बेबी देवी को मुखिया बनाते हैं, तो 5 साल में जो इतना हमने काम किया है ना, पिछले आज़ादी के बाद पहली बार यह मिसाल खड़ा किया हूँ। इससे पहले तमाम लोग वोट मांग करके चले जाते थे, चाहे MLA हो, MP हो, हमसे पहले जो भी मुखिया जी बने, लेकिन जितना सड़क ने निर्माण हमने किया है ना, ये मिसाल कायम करने की बात है। रह गई अगले पंचवर्षीय में, मेरा अगला पंचवर्षीय यही रहेगा कि सुपौल जिला में जो सबसे बड़ा पंचायत जदिया है, तो विकास के नाम पर भी हमने
अगला पंचवर्षीय मेरा है कि सुपौल जिला में पहला स्थान मॉडल पंचायत बने विकास के नाम पर, और जिला से जिला पदाधिकारी भी आकर के हमारे पंचायत को देखे कि यदि आप पंचायत मॉडल पंचायत बना है, मेरा पहला प्राथमिकता यही रहेगा। रह गई आज पंचायत सरकार भवन, जमीन के अभाव में यहाँ नहीं बन पाया और जगह बना, 1,08,00,000 का योजना है पंचायत सरकार भवन का मिनी ब्लॉक, जिसमें जातीय आवासीय वृद्धा पेंशन आधार कार्ड मृत्यु प्रमाण पत्र हर तरह के काम वहाँ होगा। वहाँ मुखिया जी बैठेंगे, सरपंच साहब बैठेंगे, रोजगार सेवक बैठेंगे, ग्राम सेवक बैठेंगे, कर्मचारी साहब बैठेंगे, तमाम कर्मचारी वहाँ बैठेंगे। तो मिनी ब्लॉक सरकार का यह घोषणा है कि हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण करना है और जमीन खुद वहाँ के समाज उपलब्ध करावे। जब जब 26 जनवरी हुआ, 15 अगस्त हुआ, सभी राष्ट्रीय पर्व में हमने राष्ट्रीय झंडा के नीचे आह्वान किया, सभी गार्जियन से आग्रह किया कि कोई भी जमींदाता आगे आइए और ज़मीन को दान दीजिए। 12 कट्ठा जमीन, 52 डिसमन जमीन वहाँ लगेगा उस पंचायत सरकार भवन के लिए। जब देखे कि कोई नहीं आगे हो रहा है, यहाँ 101 जमींदार बैठे हुए हैं, कोई तैयार नहीं हुआ, अंत में बाबू जी बोले, हमारे आदरणीय महेंद्र बाबू बोले कि कोई अगर आगे नहीं हो रहा है तो तुम अपना ही ज़मीन पंचायत सरकार भवन के लिए दे दो। तो हमने पंचायत सरकार भवन के लिए 15 अगस्त को तिरंगा झंडा के नीचे घोषणा किया हूँ कि पंचायत सरकार भवन में जितना भी ज़मीन लगेगा बनाने में, वो ज़मीन मैं अपना दूंगा, जो चुनाव के बाद वहाँ निर्माण होना है। रह गई बात कि जदिया चौक पर चारों तरफ से गाड़ी आती है, यहाँ से दिल्ली की गाड़ी खुलती है, पटना की गाड़ी खुलती है, रांची की गाड़ी खुलती है, हर जगह से गाड़ी यहाँ से गाड़ी खुलती है, और चारों तरफ से जब गाड़ी यहाँ आती है तो माँ बहने को पेशाब करने के लिए या पैखाना करने के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमने पहला, यह भी मेरा एक वो काम रहेगा कि जदिया बजरंगबली चौक के अगल बगल में शौचालय का निर्माण करें ताकि माँ बहने को दिक्कत नहीं हो। आने वाले गांव के जो माँ मार्केट आता है साफ सब्जी खरीदने या कोई भी सामान खरीदने, तो उनको भी दिक्कत नहीं हो। यह भी मेरा पहला विकास का एजेंडा है। कुछ काम जिला परिषद के लिए भी छोड़ दीजिए, वो तो आपके उसमें तो आता नहीं है। खैर चलिए, आपका चुनाव चिन्ह आ गया क्या? हाँ, मेरा चुनाव चिन्ह आ गया, बेबी देवी जी का, बेबी देवी का चुनाव चिन्ह ब्रश छाप है, क्रम संख्या 7 पर है। और हमने बार बार जनता से अपील करते हैं, मेरा सबसे पहला बात हर वक्त जब भी कोई भी आम सभा करते हैं या राष्ट्र पर्व मनाते हैं, झंडा तोलन करते हैं, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, पहला मेरा एक सवाल जरूर जनता के साथ रहता है कि भाईचारा, अमन चैन, आपस में मिल बैठ करके कोई भी समस्या, बड़ा से बड़ा समस्या को समाधान कर सकते हैं, ताकि जब समाज चाह ले तो। हम मेरा प्रयास 5 साल में रहा कि थाना में आवेदन नहीं जाए, केस मुकदमा समस्या का समाधान नहीं है, कानूनी पेंच में समस्या का समाधान नहीं है। अगर समाज में बैठ करके थोड़ा बात को बर्दाश्त करके अगर समझौता किया जाता है तो उससे शांति आगे कुछ नहीं हो सकता है। तो हमने पहला इस पर जोर दिया है कि समाज में कोई भी बात हो, कोई भी समस्या हो, तो मिल बैठ करके इसको समस्या का समाधान कर लें। सारा मेरा सबसे ज़्यादा जोर इस पर रहा है और आगे भी रहेगा। तो अभी आपने देखा मेरे साथ जदिया पंचायत के निवर्तमान मुखिया प्रतिनिधि श्याम यादव जी थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी। इनका कहना था कि जो पिछले 5 साल मैंने काम किया है वो काम शायद ही पूरे प्रदेश के अंदर किसी मुखिया ने किया होगा अपने पंचायत के लिए। और बात भी हद तक सही है कि इतना बड़ा पंचायत होने के बावजूद 140 सड़क बना देना, उसमें भी 3.5 साल मान लीजिए उसको, चूँकि 1.5 साल में कुछ काम हुआ ही नहीं है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि इस पंचायत के लिए। साथ में उन्होंने बताया कि पावर ग्रिड इनकी अगुवाई में वहाँ पर लगाई गई है, और यही वजह है कि आज जदिया प्रखंड, जदिया जो पंचायत है इसके आसपास जितने भी गांव है, पंचायत है, आज जगमग जगमग करता है उसी बिजली की वजह से। और इसके अलावा कई सारे ऐसे काम किया है जो एक समाज सेवी ही कर सकता है, जिनके दिल में समाज सेवा भाव हो वही काम कर सकता है। बिजनेसमैन तो सिर्फ बिजनेस करेगा, वो नेट जो प्रॉफिट होता है उसके उसके बारे में सोचते हैं वो, रह गई बात उसके बारे में वो सोचते हैं कि हम प्रॉफिट कैसे हम
हासिल करें, कैसे लें। तो इस बार जब भी आप वोटिंग करने के लिए मशीन पर जाएं, अब ईवीएम बूथ पर जाएं, तो वहां पर कम से कम आप पैसे, शराब और किसी तरह के लालच में, प्रलोभन में आप अपना कीमती वोट किसी को ना दें, अन्यथा आप आगे 5 साल रोते रहेंगे और कोई देखने वाला आपको नहीं मिलेगा। तो फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।